प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी का लेसन 2 द मून एंड हेयर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। मैं अंग्रेजी और हिंदी का उच्चारण करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। Once mean eat, but a hare, a खरगोश, hare mean खरगोश, lived mean रहता था, in mean में a forest, forest, forest mean जंगल या वन। Once a hare lived in a forest, एक बार जंगल में एक खरगोश रहता था। One day, एक दिन, when mean जब, he was, eating mean खा रहे, grass mean घास, grass, grass mean घास, someone, someone mean कोई, came mean आया, came, came mean आया, near mean पास या नजदीक, him mean उसके, one day when he was eating grass, someone came near him. एक दिन जब वह घास खा रहा था तो कोई उसके पास आया। The hare looked up. खरगोश ने देखा, ऊपर देखा, and saw a poor, एक गरीब आदमी को देखा, एक गरीब देखा, hungry man, हंगरी मीन भूखा, मेन मीन आदमी, सा ए पुअर हंगरी मीन एक भूखे आदमी को देखा, स्टैंडिंग मीन खड़ा, इन फ्रंट ऑफ मीन के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन के सामने, हिम मीन उसके। अब पूरी लाइन बोल रहा हूं। The hare looked up and saw a poor hungry man standing in front of him. खरगोश ने एक गरीब भूखा आदमी अपने सामने खड़े देखा। He was an old man. Old man mean बूढ़ा व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति था। And he looked very tired. Tired mean थका हुआ। लुकड मीन दिखाई दे रहा या दिखा। ही वाज एन ओल्ड मैन एंड ही लुकड वेरी टायर्ड, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और बहुत थका हुआ लग रहा था। आई मीन मैं, एम मीन हूँ, हंगरी मीन भूखा, आई एम हंगरी, मैं भूखा या मुझे भूख लगी है।
सेड द मैन, आदमी ने कहा। प्लीज प्लीज मीन कृपया, गिव मीन देओ या देना, मी मीन मुझे, सम मीन कुछ, फूड मीन भोजन। प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाने को दो या कुछ भोजन दो, खाने को दो दें या भोजन दें। प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हियर, यहाँ। इस सम ग्रास, ग्रास मीन घास, यहाँ कुछ घास है, सेड द हेयर, खरगोश ने कहा। इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन नरम मुलायम एंड स्वीट, और स्वीट मीन मीठी। इट इज सॉफ्ट एंड स्वीट, यह नरम और मीठी है। आई डोंट ईट ग्रास, मैं घास नहीं खाता हूँ, सेड मीन कहा द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। आई एम मैन, मैं आदमी हूँ, नॉट ए हेयर, खरगोश नहीं। शैल आई गिव यू सम कूल वाटर, शेलविन क्या बन गया, या शेलविन वैसे गागेगी भी बनता है बीच में हो तो। शेल आई गिव यू सम कूल वाटर, क्या मैं आपको कुछ ठंडा पानी दूं। कूल वाटर मीन ठंडा पानी, सम मीन कुछ। सेड द हेयर, खरगोश ने कहा। बट आई एम वेरी हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, या मुझे बहुत भूख लगी है। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने को कुछ लिए कुछ दें या दो। और या आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। द हेयर वॉज सैड, खरगोश उदास था। What can I give you? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? The rabbit quickly, quickly mean जल्दी से, burnt mean जलाई, the fire आग। The rabbit quickly burnt the fire. The rabbit quickly burnt the fire. खरगोश ने जल्दी से आग जलाई। प्लीज ईट मी, कृपया मुझे खाओ। ही सेड टू द ओल्ड मैन, ही मीन उसने, सेड मीन कहा, टू द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति। ही सेड टू द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा। एंड ही जंपड इन द फायर, जंपड मीन कूद गया, जंपड मीन कूद गया। इन द फायर आग में, He jumped in the fire, वह आग में कूद गया। Next line, but mean लेकिन या परंतु। The fire did not burn the hare, लेकिन आग ने खरगोश को नहीं जलाया, आग ने खरगोश को नहीं जलाया। The old man, बूढ़े व्यक्ति ने, पिकड हिम अप, उसे उठाया, एंड हेल्ड हिम क्लोज टू हिज बॉडी, और उसने उस और उसे अपने शरीर से लगा लिया। आई एम एन एंगल ऑफ गॉड, एंगल मीन दूर, गॉड मीन भगवान, ईश्वर, परमात्मा। आई एम एन एंगल ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक दूत। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े ने कहा। आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, या मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ या खुश हूँ। प्लीज्ड मीन खुश या प्रसन्न।
यू आर वेरी गुड एंड काइंड, यू मीन आप, आर मीन हो, वेरी मीन बहुत, गुड मीन अच्छे, एंड काइंड मीन दयालु, आप बहुत अच्छे और दयालु हैं। यू आर वेरी गुड एंड काइंड, आप बहुत अच्छे और दयालु हैं। लेट, चलो, आओ, एवरीवन, हर कोई, सी यू, देखेगा, एंड टॉक अबाउट यू, चलो हर कोई आपको देखेगा और आपके बारे में बात करेगा। आई विल पुट यू ऑन द मून, मून मीन चंद्रमा, पुट मीन रखूंगा। आई विल पुट यू ऑन द मून, मैं तुम्हें चंद्रमा पर रखूंगा। द एंगल लिफ्टेड, द हेयर अप, एंड पुट हिम ऑन द मून। एंगल मीन देवदूत, लिफ्टेड मीन उठाया, द हेयर खरगोश को, एंड पुट हिम ऑन द मून, और उसे चांद पर रख दिया। द एंगल लिफ्टेड द हेयर अप एंड पुट हिम ऑन द मून, देवदूत ने खरगोश को उठाकर चांद पर रख दिया। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, एनीवन मीन कोई भी, लुकिंग एट द मून चंद्रमा को देखने वाला, कैन सी द हेयर ऑन इट, उस पर खरगोश को देख सकता है, कैन सी मीन देख सकता है। फ्रॉम दैट डे एनीवन लुकिंग एट द मून कैन सी द हेयर ऑन इट, उस दिन से चंद्रमा को देखने वाला कोई भी उस पर खरगोश को देख सकता है। आप इस वीडियो को शेयर अपने दूसरे सहपाठियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।